इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। ठाणे पुलिस जोन एक ने ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो ठाणे, रायगढ़, नवी मुंबई, पालघर, नासिक और भी ऐसे कई जगहों से ये लोग वाहनों की चोरी किया करते थे। वाहन चोरी के 105 मामलों को ट्रेस किया गया है। दरअसल 10/12/2018 को ठाणे के रहने वाले उद्धव नाना साठे ने महिंद्रा पिकअप चोरी की शिकायत राबुड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने इस महिंद्रा बुलोरो पिकअप की तलाश शुरू कर दी। इस पिकअप में जीपीएस लगा हुआ था। जब इसकी लोकेशन का पता लगाया गया तो ये पिकअप पुणे के एक गोदाम में खड़ी थी। जब पुलिस ने वहां इस पिकअप के बारे में पूछताछ की तो संदीप और विनीत का नाम सामने आया, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेने के बाद जब इनसे पूछताछ की गई तो इस गैंग का खुलासा हुआ। इस गैंग में 9 लोग शामिल थे। ये लोग ठाणे, नवी मुंबई, पालघर जैसे इलाकों में गाड़ियों की चोरी करते थे। वाहनों की चेचिस इंजन नंबर नागालैंड से बदली करके और वहीं पर इन गाड़ियों को दूसरे कागजात तैयार किया जाता था और ये काम में इनका साथ दे रहे थे नागालैंड में बलराम शर्मा और अग्रवाल नामक व्यक्ति। गाड़ियों का नंबर बदल कर इन गाड़ियों को कर्नाटक, राजस्थान ऐसे और भी राज्यों में बेचा करते थे। जो ये 9 लोगों का गिरोह था ये सभी अलग अलग राज्यों से हैं। जब कोई इनसे गाड़ी की मांग करता तो ये आपस में संपर्क करते, फिर इसके बाद चोरी की घटना को अंजाम देते थे। इस पूरी गैंग का पर्दाफाश ठाणे शहर आयुक्त विवेक फंसालकर, पुलिस सह आयुक्त मधुकर पांडे, अपर पुलिस आयुक्त सत्यनारायण आदेशानुसार पुलिस उपायुक्त डॉक्टर डीएस स्वामी के मार्गदर्शन में की गई। दिनांक 10/12/2018 को रामोली पुलिस स्टेशन में एक चोरी की घटना हुई। एक मिस्टर उद्धव नाना साठे हैं, वृंदावन सोसाइटी में रहते हैं। इनकी एक महिंद्रा बुलेरो पिकअप गाड़ी थी चोरी, इसके बारे में एक ऑफेंस दाखिल हुआ रामोली पुलिस स्टेशन में सीआर नंबर 07/2018 और हमारे तपास वहाँ के लोकल टीम ने किया। PSI मिस्टर महेश यादव थे, उसके तपास अधिकारी और मार्गदर्शन करने हमारे DCP मिस्टर स्वामी, एडिशनल सत्यनारायण और बाकी की टीम थी। इस केस में इन्वेस्टिगेशन में ऐसा पता चला कि वो जो गाड़ी है उसमें GPS, उसके आधार पर हमने उसको ट्रैक किया। हमको वो गाड़ी पूना में बोर तालुका के पास एक जगह है, वहाँ पे एक शेतकड़ी की जगह है और वहाँ एक छोटा सा गोडाउन बना के रखा हुआ था, वहाँ पे ये गाड़ी मिली। हमने वो शेतकड़ी जो है उनसे पूछताछ की, उनसे पूछा कि ये गाड़ी यहाँ पे किसने रखी थी। उसने ये बताया कि आप दो लोगों का नाम बताया उन्होंने, एक लागू है संदीप लागू और एक विनीत करके आदमी है, इन लोगों ने वो गाड़ी रखी थी। हमने इन दोनों को अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद में हमने इनका सर्च किया, इनके डॉक्यूमेंट सर्च किए, इनके पास में जो रिकॉर्ड वगैरह था, लैपटॉप मोबाइल फ़ोन, वो सर्च किया, इनको पूछताछ की और इनको काफ़ी डिटेल में पूछताछ करने के बाद में हमको ये पता चला कि ये लोग कुछ लोग हैं राजस्थान के, कर्नाटक के और नागालैंड के, जिनसे ये काफ़ी संपर्क में रहते हैं। तो वो बात हमको जब थोड़ी अजीब लगी तो हमने इनसे और ज़्यादा इसके बारे में पूछताछ की और पता किया। तो ये पता चला कि ये लोग गाड़ी इस तरह से चोरी करते हैं, डिस्पोज करते हैं और टोटल इनके पास से हमको डॉक्यूमेंट्स मिले जिससे ये इस्टेब्लिश हुआ कि इन लोगों ने कम से कम 176 गाड़ी अभी तक वो चोरी की थी और उसका कैसे कैसे उन्होंने डिस्पोज किया था वो भी उसमें हमको पता चला। इसमें से हम लोगों ने अभी तक 105 केसेस में से पहले पुलिस का FIR दाखिल है आउट ऑफ 176, ये पता चला। उसमें से 80 जो केसेस हैं उसका हम लोग उसको ट्रेस कर पाए हैं और 80 गाड़ियां हमको आज उसमें मिली हैं। फिलहाल उसमें से 67 गाड़ियां हम लोगों ने यहां पे इकट्ठा की हैं। ये जो 67 गाड़ियां हैं इसमें से 34 गाड़ियां हम लोगों ने कर्नाटक से जब्त की हैं, हम लोगों ने 14 गाड़ियां राजस्थान से जब्त की हैं और 5 मुंबई से जब्त की हैं और कुछ इधर उधर से। इससे हमारे पुराने कुछ केसेस सॉल्व हुए हैं और उनकी प्रॉपर्टी हमको मिली है। वो जो केसेस हैं उसमें से ठाणा सिटी के हैं 18, पालघर के हैं 8, नवी मुंबई के हैं 8,
थाना रूरल के हैं 3, मुंबई के 5 और अहमदनगर नासिक पालघर वगैरह के भी गुने इसमें सॉल्व हो गए। ऐसा इसमें समझ में आ रहा है कि ये लोग गाड़ी की पहले डिमांड इनके पास में आती थी, वो डिमांड आने के बाद में ये लोग रेकी करते थे, सर्वे करते थे, फिर गाड़ी को सेलेक्ट करते थे, वो सिलेक्शन ओके हो जाने के बाद वो गाड़ी चोरी करते थे, चोरी करने के बाद वो गाड़ी पुणे में वो गोडाउन में रख दिया करते थे। मीनवाइल ये लोग उस गाड़ी को उसके डॉक्यूमेंट्स भेजते थे नागालैंड, नागालैंड में उस गाड़ी का नंबर चेंज किया जाता था और फिर वो जो नागालैंड में जो गाड़ी का नंबर चेंज करने के बाद में नागालैंड में उस गाड़ी का जो मालिक होता था वो दो लोग हैं, मिस्टर बलराज शर्मा एंड अग्रवाल, ये लोग के नाम पर जब वो गाड़ी का नंबर ट्रांसफ़र हो जाता था तो वो लोग फिर उस गाड़ी को कर्नाटक में या राजस्थान में ट्रांसफ़र कराते थे और वहाँ उनको वो गाड़ी पर बेची जाती थी। फिलहाल पुलिस ने 80 वाहनों को जब्त किया है जिसकी कीमत 3 करोड़ बताई जा रही है। इस मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जिनमें संदीप लागू विनीत रत्न महाराष्ट्र से हैं, अल्ताफ अब्दुल गनी सादिक महबूब कर्नाटक से हैं, तो वहीं मांगे लाल राम प्रसाद नागौर राजस्थान से हैं, जावेद अल्ताफ इकबाल मोहम्मद यूसुफ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।